दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का दिव्यांश बर्थसरी यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों शॉर्ट हैंड के आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एब्रीवेटेड डब्लू होता क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्राईफोन के बारे में बताया था। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले पिछले के सारे वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और आज का जो टॉपिक है वो डिप्थोंग चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। ये कंप्लीट होने के बाद हम जंप करेंगे फ्रेजोग्राफी में, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश स्टेनो की ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी मैंने 25 मई से स्टार्ट कर चुकी है। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करने चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे मेरे या टेलीग्राम कर सकते हैं, बता दीजिएगा हम इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक देखिए, मैं जो भी एग्जांपल बताऊंगा किस किस तरीके से बनाना चाहिए और क्या मैं इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ इस एब्रीवेटेड डब्लू का यूज़ करके। तो दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सावन का पहला सोमवार है, काफ़ी लेट नाइट आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। तो भगवान शिव के जयकारे के साथ में चलिए आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मेरे साथ में बोलिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शिव शंभो। चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एब्रीवेटेड डब्लू, एब्रीवेटेड डब्लू। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के। लेकिन आप लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ना कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी टॉपिक के वीडियोस हैं या जो देखते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के देखते हैं विदाउट फॉरवर्ड किए। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के डाउट्स, हिंदी स्टेनो की क्लासेस, इंग्लिश स्टेनो की क्लासेस, तो आप लोग वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के देखा कीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब वीडियो में मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखना उचित नहीं समझते हैं तो दिक्कत यहाँ पर होती है, ठीक है। तो देखा कीजिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के वीडियो को देखा कीजिए। देखिए एब्रीवेटेड डब्लू, अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें हम डब्लू को कैसे बनाते आए हैं, उसमें हम डब्लू को पूरा बनाते आए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने डब्लू को अभी तक पूरा बनाते आए हैं, लेकिन अब हम डब्लू को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? राइट सेमी सर्कल से, ठीक है, राइट सेमी सर्कल से मैं रिप्लेस कर देंगे, हम इसे रिप्लेस कर देंगे। अब राइट सेमी सर्कल बनेगा कैसे देखिएगा, ये हो गया दोस्तों सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल। जब हम इस सर्कल को पार्टीशन कर देंगे, टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो इससे इसके दो पार्ट निकलेंगे, एक निकलेगा लेफ्ट पार्ट और एक निकलेगा राइट पार्ट। कहने का मतलब सेमी सर्कल, सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करने से एक निकलेगा हमारा लेफ्ट सेमी सर्कल और एक निकलेगा हमारा राइट सेमी सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको क्या यूज़ करना है? राइट सेमी सर्कल का यूज़ करना है। राइट सेमी सर्कल का यूज़ करना है किसके लिए? W को बनाने के लिए। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है, देखिएगा समझ आ गया, इतना नहीं समझ आया होगा तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछेगा। और हाँ, प्रीवियस वीडियो को जो मैंने ट्राईफोन का बनाया हुआ है उसको जा करके देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने ट्राईफोन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया है। देखिए कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, ये दोनों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इसलिए कि डब्लू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? राइट सेमी सर्कल से। और राइट सेमी सर्कल बनेगा कैसे?
ये वाला पोर्शन आपका राइट सेमी सर्कल है, कहने का मतलब छोटा सा निकलेगा, ये आपका राइट सेमी सर्कल है, ठीक है। अब इस राइट सेमी सर्कल का यूज़ आप ग्राफ नंबर वन के कौन कौन से स्ट्रोक में कर सकते हैं, टू में कौन से स्ट्रोक में करेंगे ग्राफ नंबर टू के, और ग्राफ नंबर थ्री के कौन से स्ट्रोक में करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ चुनिंदा स्ट्रोक्स में करेंगे, कर्व में करेंगे, और वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एब्रिविटेड डब्ल्यू का यूज़ करना है हमको, के साथ में यूज़ करना है, के साथ में यूज़ करना है, ठीक है, एम के साथ में यूज़ करना है, रे के साथ में भी यूज़ करेंगे, आर के साथ में यूज़ करेंगे, एंड एल के साथ में यूज़ करेंगे, ठीक है। इनके इनके साथ में हमको यूज़ करना है। अब इनके एक बार आप स्ट्रोक देख लीजिए कैसे बनेंगे। के का स्ट्रोक होगा कुछ इस तरीके से आपका, के गे, गे डार्क हो जाएगा, एम रे आर एंड एल, है ना, कुछ इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, स्ट्रोक बन जाएगा। अब हम इन स्ट्रोक्स में के गे एम रे आर एल में किस तरीके से एब्रीवेटेड डब्ल्यू मतलब राइट सेमी सर्कल को, क्योंकि हम डब्ल्यू बनाते थे इस तरीके से पहले, है ना, लेकिन एब्रीवेटेड डब्ल्यू हम किस तरीके से बनाएंगे, इसका एक अलग से साइन बन जाएगा, वो रहेगा राइट सेमी सर्कल। तो हमको जहाँ जहाँ भी हम जहाँ जहाँ भी डब्ल्यू पूरा बनाते थे वहाँ पे आपको राइट सेमी सर्कल लगाना है। देखिए अभी मैं एब्रीवेटेड डब्ल्यू का पूरा यूज़ करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे हमको लिखना है कोई एग्जांपल में, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, है ना, यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं हम वेग का, यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं हम वैग, ठीक, यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे हम वुमेन का, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम वरे, ठीक है, आर में एग्जांपल लेते हैं हम, आर में एग्जांपल किसका ले सकते हैं, वार का ले सकते हैं, देखिएगा, और एल में किसका ले सकते हैं हम, वेल्थ का ले सकते हैं, है ना, वेल का ले लेते हैं, चलिए ये वेल का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैं इन सारे एग्जांपल्स में आप लोगों को पूरा स्ट्रोक का मतलब एब्रीवेटेड डब्ल्यू का यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे डब्ल्यू पूरा बनाऊँगा मैं, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे बन जाएगा वेक, वेक, ठीक है, छोटा छोटा बना रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे वैग बन जाएगा, फर्स्ट प्लेसिंग है, वुमेन बन जाएगा, वुमेन बन जाएगा, क्या कैसे बनेगा वुमेन, डब्ल्यू एम एन, कुछ इस तरह कैसे बनेगा वुमेन, है ना, वुमेन वुमेन, वरी कैसा बन जाएगा, वे रे वरे, ठीक है, वार कैसे बनेगा फ्रेंड्स, वार, ठीक है, ये वार बन गया। वेल कैसे बनेगा, डब्ल्यू एल, ये वेल बन गया, ठीक है, वुमेन वुमेन वरी वार वेल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एब्रीवेटेड W का यूज़ करेंगे, किसको बनाने में, इन आउटलाइंस को बनाने में एब्रीवेटेड W का यूज़ करेंगे, मतलब राइट सेमी सर्कल का यूज़ करके, देखिएगा। वेग का कैसे यूज़ करेंगे, राइट सेमी सर्कल K बना देंगे, क्या बन जाएगा, ये वेग बन जाएगा, ठीक है। वेग में क्या करेंगे, वैग में क्या करेंगे, राइट सेमी सर्कल गे बना देंगे, ये वैग बन जाएगा, ठीक है। वॉविल आप लोगों को ऊपर लगाना है, इसमें बहुत लोग क्या गड़बड़ी करते हैं, वॉविल को नीचे लगा देते हैं, ठीक है, तो इसमें वॉविल को ऊपर लगाना है आप लोगों को। वुमेन में क्या करेंगे, डब्ल्यू एम एन, ये वुमेन बन गया, वुमेन बन गया, है ना, ये बन जाएगा वुमेन वुमेन वुमेन, है ना। वरे में क्या करेंगे, डब्ल्यू रे वरे व रे, ठीक है, आर के पहले आ रहा है ना,
सॉरी, रे के पहले आ रहा है तो रे के पहले अ लगा दिया मैंने, और रे के बाद एक ई का वॉवेल आ रहा है तो ई का वॉवेल लगा दिया। वार में क्या करेंगे, ये आर आ रहा है, देखिए आर है, वार वार, ठीक है, तो यहाँ पे एब्रिविएटेड डब्ल्यू लगा देंगे, एब्रिविएटेड डब्ल्यू मतलब राइट सेमी सर्कल, और ये आर बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वेल में क्या करेंगे, राइट सेमी सर्कल एल बना दिए, ई का वॉवेल आ रहा है, एल के बिफोर आ रहा है, तो एल के बिफोर साइड में क्या करेंगे हम वॉवेल लगा देंगे। इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया है ना, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दिया, वेक वैग वुमेन वरी वार वेल, पहले मैंने सभी को क्या किया, डब्लू डब्लू को जो मैंने पूरा स्ट्रोक जो बनाते हैं हम लोग उससे बना करके दिखाया, फिर मैंने क्या किया एब्रिविएटेड डब्लू का यूज़ करके बना दिया। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बस अभी एक एक एग्जांपल दिया है, अभी एग्जांपल आप लोगों को और करना है। ठीक है, देखिएगा कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं करना है सारा मैं आप लोगों को बता दूंगा, जैसे जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट मन में ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, देखिए ये मैंने कर दिया इरेज। एब्रिविएटेड डब्लू कहने का मतलब राइट सेमी सर्कल, इसको इस तरीके से याद रखा कीजिए, राइट सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखिए इसको दे देते हैं बॉर्डर। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स इसकी प्लेसिंग के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन्स खींच लेता हूँ, पहले इसके हम आउटलाइन बनाते हैं। देखिएगा वेक सेकंड प्लेसिंग का वॉवेल साउंड है, के पहले क्या लग जाएगा, के पहले आ रहा है तो यहाँ पे राइट सेमी सर्कल बनाऊँगा और यहाँ पे के बना दूँगा। ठीक है, और वॉवेल कहाँ लगेगा, के बिफोर सेक्शन में लग जाएगा आप लोगों का, के बिफोर पार्ट में क्या लग जाएगा, ए का वॉवेल साउंड लग जाएगा। पढ़ना कैसे है, डब्ल्यू ए के वेक वेक डब्ल्यू ए के डब्ल्यू ए के, है ना, सिर्फ जो पहले आ रहा है उसको पहले पढ़ना है। विग विग में क्या करना है, राइट सेमी सर्कल के राइट सेमी सर्कल गे गे के पहले ई का वॉवेल साउंड आ रहा है तो गे के बिफोर सेक्शन में क्या कीजिएगा, वॉवेल लगा देंगे, तो ये विग बन जाएगा। राइट फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए वीक वीक सेम बनेगा, के की जगह में के हो जाएगा, राइट सेमी सर्कल के, ये बन जाएगा आपका वीक। ठीक है, वीकली में क्या करेंगे, देखिए एल आ रहा है बाद में, वीक तो सेम बनेगा लेकिन एल की वजह से क्या कर देंगे हम, इसको नीचे कर देंगे, राइट सेमी सर्कल के और ये एल वीकली, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वोमिनिश में क्या करेंगे, राइट सेमी सर्कल एम एन एस, ठीक है, वोमिनिश बन जाएगा, वोमिनिश बन जाएगा, वोमिनिश। वेयर 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 में क्या कर देंगे, राइट सेमी सर्कल आर, देखिए ये जो वर्ड है ना वो कहीं कहीं पे हमको डाइफोन का साउंड निकालता है, क्या साउंड निकालता है, डाइफोन का साउंड निकालता है, तो यहाँ पे मैं डाइफोन का साइन लगा दूंगा, पढ़ेंगे हम लोग बाद में, लेकिन फिलहाल बनेगा ये कुछ इस तरीके से, वेयर वेयर, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा वेयर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है डाइफोन, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, पढ़ेंगे उसके लिए भी। डिप्थोंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिप्थोंग का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले डिप्थोंग को समझिएगा, डाइफोन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बाद में है। वेयर वेरी वेरी में क्या करेंगे, आर के बाद वॉवेल कैरी कर रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, फाइनल आर आता है, फाइनल आर में वॉवेल कैरी करता है तो रे हमेशा अपवर्ड चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, वेरी ये वेरी वे रे। ठीक है, वायरी
यहाँ पे आई आ जा रहा है, डिप्थोंग भी आ रहा है, सिंगल वॉवल साउंड भी आ रहा है, तो क्या बन जाएगा वाई रे, आर के मतलब रे के बिफोर में आई आया है, तो रे के बिफोर में लगा दिया। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का, इस डब्ल्यू का आप लोग बिफोर आफ्टर नहीं देखेंगे ना, अगर डब्ल्यू का बिफोर आफ्टर देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने डब्ल्यू का बिफोर आफ्टर तो किया है, लेकिन हम लोगों ने एब्रिविएटेड डब्ल्यू मतलब राइट सेमी सर्कल का कोई बिफोर आफ्टर नहीं होता, इसका कोई बिफोर या ऐसा आफ्टर पार्ट नहीं होता, ये बिफोर हो जाए या आफ्टर ऐसा पार्ट नहीं होता, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें वॉवल लगाने के लिए उसके बाद आने वाले स्ट्रोक को देखना पड़ता है कि उसके बिफोर में आएगा कि उसके आफ्टर में आएगा, ठीक है। ये देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉर, राइट सेमी सर्कल आर डाउनवर्ड वॉर, आर के बिफोर ओ, बिफोर आ रहा है ओ, तो मैंने आर के बिफोर लगा दिया, आफ्टर लगाएंगे तो वॉवल चेंज, मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। वार्म, वार्म में क्या करेंगे, राइट सेमी सर्कल आर एम वार्म, वॉक में क्या करेंगे वॉक, वर्क वर्क, आर के पहले राइट सेमी सर्कल फिर के, वेयर्ड, वेयर्ड भी क्या करेंगे, इसमें डाइफोन का एग्जाम्पल है, तो डाइफोन के एग्जाम्पल में क्या करेंगे, राइट सेमी सर्कल रे डे, तो वेयर्ड वेयर्ड, है ना, मीनिंग अलग अलग चेंज हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है बोलने से, ठीक है। वीकेंड, वीकेंड में क्या करेंगे, देखिए राइट सेमी सर्कल के एन डे, ये वीकेंड बन गया, है ना, इस तरीके से इसके आउटलाइंस बनेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए वॉर्न, तो वॉर्न में क्या करेंगे, राइट सेमी सर्कल रे एन, ये वॉर्न बन जाएगा। वीक और वेक दोनों के आउटलाइन सेम बनेगी, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, होमोफोन्स में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सेम आउटलाइन बनेगा वीक, ठीक है वीक। आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पे वीक बनाया या फिर यहाँ पे वीक बनाया, तो ये जो के है ना, के का स्ट्रोक इस लाइन से इसमें टच नहीं हुआ, तो ये ऐसा ही बनना चाहिए, बहुत हल्का सा डिफरेंस होना चाहिए उस लाइन के उसमें, मतलब आपके होम लाइन, आपके बेस लाइन में और इस के में हल्का सा डिफरेंस होना चाहिए, दोनों के बीच में लिटिल बिट क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, जिससे आप लोगों के जो के की स्ट्रोक है वो गे के स्ट्रोक है वो क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। वीकनेस, वीकनेस कैसे बन जाएगा, वीकनेस राइट सेमी सर्कल के, देखिए यहाँ पे एन जो बनेगा वो थ्रू द लाइन चला जाएगा, तो थ्रू द लाइन कभी नहीं जाना चाहिए, है ना, तो इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि आपको ऊपर रखना पड़ेगा थोड़ा सा केक को, तभी तो एन बेस लाइन में टच करेगा, तो राइट सेमी सर्कल के एन और क्या कर देंगे, एस का सर्कल लगा देंगे, अगर कोई सर्कल नहीं पड़ा है तो एस स्ट्रोक पूरा बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया वीकनेस। अब क्या करेंगे वार्ड, वार्ड भी क्या कर देंगे, राइट सेमी सर्कल रे और ये डे बना देंगे। देखिए ये जो क्लासेस है ना, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेमी सर्कल के बारे में, ये बिगनर्स जो पहले इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं, समझ लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। वॉल, वॉल में क्या हो जाएगा, राइट सेमी सर्कल एल बन जाएगा, ये वॉल बन गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, एल के साथ में राइट सेमी सर्कल या फिर राइट सेमी सर्कल बनाने से एल का स्टेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये लाइन पे आ जाएगा। देखिए ये आ गया लाइन पे, वॉलेट वॉ ले विजय, वॉलेट हो गया वॉलेट। वारंटी क्या करेंगे, देखिए राइट सेमी सर्कल रे एन टे, ये वारंटी बन गया, है ना, वारंटी कार्ड बोलते हैं ना हम लोग, तो इस तरीके से इसके आउटलाइंस बनेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा, बार बार बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके ये आएगा। राइट सेमी सर्कल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा आप एग्जाम पास करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चुनिंदा वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप लोगों को राइट सेमी सर्कल का यूज़ करना था, ठीक है। यहाँ पे के का हो गया, गे का हो गया, मैंने यहाँ पे एम का बता दिया, डाउनवर्ड आर का बता दिया, देखिए डाउनवर्ड आर में यूज़ हो रहा है, अपर रे में मतलब रे में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एल का मैंने फॉर्म बता दिया, लगभग इसमें सारे स्ट्रोक जो है वो कवर हो गए, जिसमें जिसमें एब्रिविएटेड डब्ल्यू मतलब राइट सेमी सर्कल का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको हम
राइट सेमी सर्कल का यूज कहाँ नहीं करना है उनके एग्जांपल्स आप एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो ये था कि कहाँ पे राइट सेमी सर्कल, कहाँ पे राइट सेमी सर्कल एब्रिविएटेड डब्ल्यू का यूज करना है। इसके पहले जो मैंने बताया था वो ऐसे एग्जांपल थे जहाँ पे राइट सेमी सर्कल का यूज कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ, और अब मैं जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ वहाँ पे राइट सेमी सर्कल का यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर करेंगे भी तो आप लोगों को वो कन्वीनियंट नहीं होगा वहाँ पे लिखना। ठीक है, तो देखिएगा मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए निकाले हैं जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इस टाइप के एग्जांपल्स में आप लोगों को एब्रीवेटेड डब्ल्यू मतलब कि राइट सेमी सर्कल का यूज़ नहीं करना है। अब थोड़ा देख लेते हैं आउटलाइन में। देखिए, वेस्टर्न में एस टी आ रहा है, वेस्टर्न वेस्टर्न, देखिएगा वे एस टी रे, और ये एन कहो को लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये वेस्टर्न बन जाएगा। वेस्ट में क्या करेंगे, वेस्ट, देखिए यहाँ पे नहीं बनाते बनेगा। ठीक है, वेस्ट सेम आउटलाइन बनेगा। ठीक, एस टी का लूप मैंने बोला था ना, एडवांस के लिए भी, जो बच्चे एडवांस लेवल में सीख रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। देखिएगा वेंट, वेंट के लिए चाहे तो हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं लेकिन हैविंग का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पूरा बना देंगे ये वेंट। वांट अबव द लाइन बन जाएगा, ये वांट हो जाएगा। वेट में क्या हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा। ठीक, वे में क्या हो जाएगा, एक सिंगल डब्लू बनेगा, सिंगल डब्लू का स्ट्रोक बनेगा। ठीक, यहाँ पे वॉच, ये वॉच, वे में क्या बन जाएगा, वेव। ठीक है, वॉशिंगटन, देखिए वॉ सी इन ट, और एन का हो वॉशिंगटन, अगर एन पूरा बनाते हैं तो इस तरीके से बन जाएगा। अवेक अवेक, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी अगर डब्ल्यू के सामने कोई वोवेल साउंड आ जाए, डब्ल्यू के सामने कोई भी वोवेल साउंड आ जाएगा तो हमको वहाँ पे राइट सेमी सर्कल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू के पहले क्या आ गया, वोवेल साउंड आ गया, तो जहाँ भी आप लोगों को W के पहले वॉवल साउंड मिल जाएगा वहाँ पे आप लोगों को राइट सेमी सर्कल मतलब कि एब्रीवेटेड W का यूज़ नहीं करना, वहाँ पे वो पूरा बनेगा। अवेयर कैसे बन जाएगा, ये अवेयर बन जाएगा। और लेंथ को मेंटेन करना है, कई बार लोग लेंथ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अवेयरनेस कैसे बनेगा, देखिएगा अवेयरनेस, जिसका सर्कल हो चुका है वो सर्कल लगा सकते हो ऊपर में। ठीक है, ये अवेयरनेस, अवेयरनेस बन गया अवेयरनेस। अब यहां पे देखिए वेट वेट, ठीक है, वाइट वाइट, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच, ये कॉन्सेप्ट है कंपाउंड कॉन्सनेंट का, कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, ये कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है। पहले क्या करिए कीजिए, आप इतने एग्जांपल से समझिए कि कहाँ पे एब्रीवेटेड डब्ल्यू का यूज़ करना है, कहाँ पे एब्रीवेटेड डब्ल्यू का यूज़ नहीं करना है। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बताया था वहाँ पे आप लोगों को एब्रीवेटेड डब्ल्यू का यूज़ करना है। और यहाँ पे देखिए ऐसे चुनिंदा मैंने आप लोगों के एग्जांपल्स लिखा है जहाँ पे एब्रीवेटेड डब्ल्यू का यूज़ नहीं करना है, या यू कहें तो राइट सेमी सर्कल का यूज़ नहीं करना है। आप एब्रीवेटेड डब्ल्यू को राइट सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं क्योंकि हम एब्रीवेटेड डब्ल्यू को राइट सेमी सर्कल से रिप्लेस कर देते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ, और जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो या हिंदी के लिए हो, वो नीचे दिए गए मेरे टेलीग्राम नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो ग्रुप है AYSG नाम से, जो मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, जय हिंद।